सो हे गाइज व्हाट्सअप। सो गाइज Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2023। तो आज हम फोकस करेंगे 60,000 रुपये के लैपटॉप्स के ऊपर, जहाँ पे आपको 15 से 10,000 का डिस्काउंट काफ़ी ईजिली देखने को मिलेगा। तो सभी लैपटॉप्स को कार्ट पे ऐड कर लेना, और जब सेल लाइव हो जाएगा तो जाके इनको चेकआउट कर सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी लैपटॉप चाहिए, आप कैसे भी यूज़र हो, सभी यूज़र्स के हिसाब से मैंने लैपटॉप्स इंक्लूड किया है, एंड लिस्ट काफ़ी लंबा है इस बार का, और लैपटॉप्स काफ़ी अच्छे हैं। तो सभी को देखना और कार्ट पे ज़रूर से ऐड करना। तो आइए गाइस बात करते हैं इन्हीं लैपटॉप्स के। सो गाइस पहले लैपटॉप के बारे में बात करें तो ये है Lenovo IdeaPad Slim 5, जहाँ पे इंटेल कोर i5 का आपको 12 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है। सो गाइस ये जो प्रोसेसर है ये 12450H सीरीज़ वाला प्रोसेसर है, एंड ये जो है ना गेमिंग ग्रेड CPU के साथ में आता है। तो गाइस यहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और 16GB की इनबिल्ट रैम देखने को मिलेगी, 512GB की SSD देखने को मिलती है, और यहाँ पे गाइस आपको फुल HD कैमरा वगैरह भी देखने को मिलता है, और बाकी सब कुछ है, एंड इसमें गेमिंग पास वगैरह भी फ्री मिल जाता है। और गाइस लैपटॉप का लुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टर्डी देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे 300 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। सो गाइस ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप बन सकता है अंडर 60,000। सो अगेन मैं आपको सारे लैपटॉप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सो गाइस ये जो लैपटॉप है ये भी यहाँ पे Asus की तरफ से आ रहा है, Asus VivoBook 16X, जो कि गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे 16 इंच के डिस्प्ले के साथ में मिलता है, एंड यहाँ पे आप अगर थोड़ा मल्टीमीडिया कंजप्शन या फिर थोड़ा सा अगर आप डिस्प्ले वाले काम या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग वगैरह आप करना चाहते हो तो ये लैपटॉप आपके लिए, जहाँ पे Ryzen 7 का 5800HS सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस वाकई में काफ़ी अच्छा है। तो जितने भी लैपटॉप बताऊंगा यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस टॉप नॉच लेवल का मिलेगा, सभी में आप काफ़ी अच्छे से सारे काम कर सकते हो। यहाँ पर भी 16GB का रैम है, 512GB का SSD देखने को मिलता है, और इसमें भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी और बैकलिट कीबोर्ड भी है। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस हमारा आता है Asus की तरफ से ही, यहाँ पे Asus का Asus Book S15 2022 वाला वर्जन है, जहाँ पे आपको i5 12500H सीरीज़ का प्रोसेसर मिलता है। H सीरीज़ का प्रोसेसर काफ़ी लाजवाब होता है, और गाइस एक चीज़ ध्यान देना कि ये EVO प्लेटफॉर्म में आता है, तो EVO के अलग से आपको फ़ायदे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा 16GB का रैम देखने को मिल जाता है, 15.6 इंच का डिस्प्ले है, और गाइस यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह सब है, और 70 Wh की बैटरी देखने को मिलती है गाइस। तो यहाँ पे इसका भी परफॉर्मेंस टॉप नॉच लेवल का होने वाला है, और मैं सोच रहा हूँ इस लैपटॉप को आप काफ़ी आराम से खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर भी अगेन Asus VivoBook 15, जहाँ पे i7 का 12th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है। तो आपको i7 का प्रोसेसर चाहिए तो ये लैपटॉप खरीद सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट गाइज एक लैपटॉप मैं Xiaomi से यहाँ पे ढाल रहा हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पे इस लैपटॉप का भी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, एंड काफ़ी आपको लुक वाइज जाना है, एकदम छोटा सा अच्छा सा कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप चाहिए तो इसके पास जा सकते हो। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है, और गाइज ये लैपटॉप में आपको 16GB की रैम मिलती है, तो आप फ्यूचर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चीज़ लेटेस्ट देखने को मिलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, और 60,000 है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन गाइज Acer का Swift 3। Acer के Swift सीरीज़ के ऊपर मैं आपको कुछ ज़्यादा कहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये सीरीज़ मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, एंड बाकी लोगों को भी रिकमेंड किया है, एंड उनका ये सीरीज़ काफ़ी स्विफ्टली काम कर रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस लैपटॉप से, क्योंकि ये आपको इंटेल के EVO प्लेटफॉर्म में मिलता है, तो उसके अलग फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर इसको भी आप खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज़ का लैपटॉप है ये भी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस HP की तरफ से, तो HP फैंस आ जाओ, आपके लिए लैपटॉप लाया हूं, HP Pavilion, जो कि 15 इंच के डिस्प्ले के साथ में आता है, 15.6 वही, और बाकी गाइस इसमें भी 16GB की रैम और i5 12 जनरेशन, लगभग लैपटॉप आपको इसमें i5 12 जनरेशन के देखने को मिलेंगे, और जिनको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर वाला लैपटॉप चाहिए उनके लिए i7 वाला भी इंक्लूड किया, और Ryzen 7 के भी हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन गाइस Asus का एक और है, Asus Book 15, तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो। मैं फटाफट से आपको ऑप्शन बताता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है। Lenovo का IdeaPad Gaming 3 है, जिसको गेमिंग लैपटॉप लेना ये इसको कंसिडर कर सकते हो, सभी का अच्छे से लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप जाके और अच्छे से इन डिटेल से इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट गाइस एक और लैपटॉप Asus के लिए
और एसस फैंस के लिए एक और लैपटॉप है गाइस, ये एसस क्रिएटर सीरीज से आता है और इसका नाम है एसस वीवो 16X। तो जो क्रिएटर्स है और जिनको क्रिएट करना है कंटेंट, जिनको एडिट करना है अपना कंटेंट, तो ये ले सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा क्योंकि इसमें आपको एनवीडिया का जी फोर्स RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड अलग से मिलता है, तो आप एडिटिंग वाले काम काफ़ी ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन गाइज Lenovo IdeaPad Gaming 3, जहाँ पे i5 12th जनरेशन के प्रोसेसर देखने को मिलता है, 4GB का ग्राफिक्स कार्ड 3050 वाला देखने को मिलता है, 64,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में अभी लिस्टेड है, सभी का प्राइस घटने वाला है सेल के बाद, तो गेमिंग के लिए यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट और लास्ट हमारे लिस्ट में आया है Asus का VIVOBOOK PRO 15, जहाँ पे AMD Ryzen 5 का 5600H का प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे आपको 4GB का RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, तो इसमें भी आप गेमिंग अच्छे से कर सकते हो, क्रिएटर्स है तो उनके लिए भी लैपटॉप काफ़ी अच्छा हो सकता है, एंड सभी लैपटॉप का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो बस गाइस, यहाँ पे मैंने आपको सारे लैपटॉप्स दिखा दिए एंड सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ पे आप काफ़ी इजीली इनको सेलेक्ट कर सकते हो, आँख बंद करके डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि मैं इन पे खुद अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, तो ऐसे लैपटॉप्स इंक्लूड करो जहाँ पे आपका पैसा वेस्ट बिल्कुल नहीं जाने वाला है, तो यहाँ पे आप काफ़ी आराम से इनको खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी लैपटॉप से। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अब से रेगुलर वीडियोज आने वाले तो जरूर से सब्सक्राइब करना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।